आपके टूल किट की आवश्यकता एक और समस्या के लिए है और ये है बाहर। आप स्वामी जी आप अपनी बात पहले पूरी कर ले। जी जी, तो बस मैं इतना ही कह रहा हूं कि आजकल जो है पूरा युवा वर्ग जो है उसको एक राइट डायरेक्शन नहीं है। रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशंस, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन और डिस्ट्रैक्शन, ये जो कुचक्र चल रहा है। तो राइट थॉट्स, राइट इमोशन, राइट एक्शन और प्रोडक्शन के साथ, प्रोडक्टिविटी के साथ, क्रिएटिविटी के साथ, इनोवेटिव होकर के हमें आगे बढ़ना है। और उसके लिए सुबह योगाभ्यास कर लें, एक बार यहाँ से शुरुआत कर ली तो फिर जिंदगी में कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। भगवान ने बिना किसी भेदभाव पक्षपात के एक एक व्यक्ति को अनंत ज्ञान शक्ति विद्या विभूति ऐश्वर्य से अनंत दिव्यता से युक्त किया हुआ है। बस योग से शुरुआत हो गई सुबह की, फिर दिन भर अच्छा ही होगा। हमारे दिन भी अच्छे होंगे, हमारी जिंदगी भी अच्छी होगी, हमारे संबंध भी अच्छे होंगे, हमारा घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, हमारा कैरियर भी अच्छा होगा। बस ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि हर सुबह उठ करके युवा 10-20 मिनट से स्टार्ट कर ले योगाभ्यास, और जिसने योग के साथ अपने दिन की शुरुआत कर दी फिर उसकी जिंदगी में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय उसके चरण चूमेगी। बस यही कहना चाह रहा था मैं मीनाक्षी जी। स्वामी जी, एक स्टडी के मुताबिक 20% भारतीय बच्चे किडनी के मरीज हैं। किडनी की बीमारी आखिर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है और इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? इसको रोकने के लिए जो हम रोज प्राणायाम बताते हैं ना, देखो फिजिकल एक्टिविटीज युवाओं को बहुत पसंद है, इसलिए हमने दौड़ने से, सीधा उल्टा दौड़ने से, सीधा भी चलना नहीं आता तो हम तो उल्टा भी चल के बता रहे थे कि इतना दमखम होना चाहिए, तुम्हारे तो पैर ही लड़खड़ा रहे हैं, तो हाथों के ऊपर चल के दिखा रहे हैं आपको। तो आपको रोज कपालभाति करना है। अब इसका एक तो जंक फूड कारण है, स्ट्रेस इसका बड़ा कारण है, और किडनी के एक्सरसाइज नहीं होती। अब देखो मैं 2 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूँ मीनाक्षी जी, बाकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, हाथों के पैरों की, जिम में फिजिकल और वर्कआउट कर लेते हैं, खेल खेल लेते हैं, सब चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है, लीवर की एक्सरसाइज नहीं होती, किडनी की एक्सरसाइज नहीं होती, पेनक्रियाज के, आंतों की, प्रोस्टेट की, यूट्रस की, ओवरी की एक्सरसाइज नहीं होती। बिल्कुल। तो ये जो कपालभाति है ना, ये इंटरनल एक्सरसाइज है। अब डॉक्टरों को भी नहीं पता, वो आज जो है फिजियोथेरापिस्ट हैं और डाइटिशियन हैं और डायबिटिशियन हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, हार्ट वाले और अलग अलग डिजीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनसे पूछो लीवर की एक्सरसाइज क्या, बोले ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ कोर्स है। ऑफ कोर्स उनके यहाँ ये ऑफ कोर्स है, लेकिन देखो इधर से लीवर, इधर से स्प्लीन, अंदर की तरफ किडनी, अंदर अंदर डीप है, बहुत छोटी सी है, 9 सेंटीमीटर की है। अंदर से किडनी अच्छी होगी, फिर पुरुषों का प्रोस्टेट अच्छा होगा, मातों बहनों का यूट्रस, ओवरी, फिलिपियन ट्यूब ये, और पुरुषों का टेस्टिकल अच्छा होगा, आंतों की झिल्ली मजबूत होगी, हर्निया नहीं होगा, पेनक्रियाज के मजबूत होने से डायबिटीज नहीं होगी। बीमारी ही क्या है, कमजोरी बीमारी है, तो किडनी में स्टोन जम जाते हैं, किडनी में गांठें हो जाती हैं, पानी कम पीते हैं आजकल बच्चे, पानी कम पीने से, जंक फूड ज़्यादा खाने से किडनी सारी चीज़ों को कितना क्लीन करेगी। रोज ये लाखों लीटर ब्लड को प्योरीफाइड करती है, पानी और सब घूमता रहता है पूरे शरीर में जी। पूरी जिंदगी में कितना मैट्रिक बिलियन ट्रिलियन पानी और खून को किडनी जो है प्योरीफाइड करती है, घूमता रहता है उसके अंदर से, लेकिन उसमें कचरा जमा हो जाता है और वही खतरा हो जाता है। तो किडनी कमजोर नहीं होगी कपालभाति से, लीवर स्प्लीन कमजोर नहीं होगा कपालभाति से, लीवर स्प्लीन इंटेस्टाइन पेनक्रियाज यूट्रस होगी, फिर जो है इसका लंग हार्ट भी से मजबूत होगा, फेफड़े कमजोर हो जाते हैं तो अस्थमा, हार्ट कमजोर हो गया तो जवान बच्चों का आजकल हार्ट कमजोर, किडनी कमजोर होगी तो स्टोन हो जाते हैं, पेनक्रियाज में भी स्टोन हो जाते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं। जो योग करेगा जिंदगी में कभी गॉल स्टोन, किडनी स्टोन नहीं होगे, पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज में सूजन आ जाती है, आंतों में सूजन जो है, कोलाइटिस, लीवर पर सीजन जो है सोराइसिस और फैटी लीवर, और फिर तो लीवर सिरोसिस जैसी समस्या हो जाती है, फेफड़ों में सीजन ब्रोंकाइटिस, फिर हार्ट में जो है सूजन से लेकर के, और हार्ट में भी यहाँ पर भी कैल्शियम डिपोजिट हो जाता है हार्ट में भी, और हार्ट में ब्लॉकेज हो जाते हैं, वाल खराब हो जाता है, और इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, हार्ट इनलार्ज हो जाता है,
या थायराइड के अंदर जो T3 T4 TSH का इम्बेलेंस बिगड़ जाता है तो थायराइड पैराथायराइड का बैलेंस बिगड़ा तो पिट्यूटरी ग्लैंड का भी बैलेंस बिगड़ जाता, तो कपाल भाती और उज्जायी अनुलोम विलोम ये प्राणायाम जो कर लेंगे तो सारे इंटरनल ऑर्गेन्स जो इनविजिबल हैं आपको दिखते नहीं है और ऑटोमेन मोड पर बॉडी चलती है। एक होता है वॉलंटरी सिस्टम, अपनी इच्छा से हाथ पैर दिल दिमाग को हम अपने आप चलाने की कोशिश करते हैं, बाकी तो 99% ऑटोनॉमिक मोड पर बॉडी चलती है, ऑटोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो कपाल भाती और अनुलोम विलोम करने से आपका वॉलंटरी सिस्टम तो अच्छा होगा ही होगा, आपका ऑटोनॉमिक सिस्टम अच्छा बिल्कुल सही बात है स्वामी जी, लेकिन उसके लिए सिस्टम को अच्छा वॉलंटियर तो खुद को करना पड़ेगा। मन में युवाओं के द्वैत रहता है जी इसके लिए, लेकिन वॉलंटियर तो खुद को करना ही पड़ेगा। हम योग कर रहे हैं आप लोगों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए भी, लेकिन हमारे साथ भी अगर आप 40 मिनट निकाल लेते हैं तो आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होगा और ये मुमकिन है कि आपके शरीर से सारे रोग दूर हो जाएंगे।